हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर में। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसनगर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच वाइज डिटेल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे जिस बिजनेस में जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है तो उस प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ उस प्रोडक्ट का बैच नंबर, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट और उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट सेल्स इनवॉइस में लिखना कंपलसरी होता है। जैसे कि मेडिकल स्टोर्स हो गए, फार्मा एजेंसीज होगी, या किसी भी टाइप की पेस्टिसाइड्स की कोई कंपनी होगी, या ऐसे कोई मॉल या स्टोर जहाँ पे जिस प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर लिखे होते हैं तो वो सेल्स इनवॉइस में लिखना कंपलसरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप की बिजनेस की अकाउंटिंग टेली ERP 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेन की जाती है, तो ये सब कुछ आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर भी आप इसे जरूर कीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम एक मेडिकल स्टोर्स का यानी कि एक फार्मा एजेंसीज का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी से मिलते जुलते अदर बिजनेस भी अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन करोगे तो सेम ही प्रोसेस रहने वाला है, यानी कि जो फंक्शन आज हम इस बिजनेस में इनेबल करेंगे टेली में, वही फंक्शन अदर बिजनेस में भी रहेंगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट और बैच नंबर्स की डिटेल डालनी कंपलसरी होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक इनवॉइस है विजय ट्रेडिंग कंपनी का और इस पार्टी से हमने ये कुछ मेडिसिन्स परचेज की हुई है और इस मेडिसिन्स यानी कि इस इनवॉइस में भी हमें इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसका जो बैच नंबर है और एक्सपायरी डेट हमें हर प्रोडक्ट के साथ लग के आई हुई है। तो इस इनवॉइस के हम हमारे टेली ERP 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री किस तरीके से करेंगे ये आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, तो कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद हमें GST को इनेबल करना होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी बार बता भी चुका हूं मैं। तो GST इनेबल करने के बाद हमें बैच वाइज डिटेल्स को इनेबल करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 और F11 प्रेस करने के बाद हमें एक सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड फीचर्स का, इस पर एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन्स बैच वाइज डिटेल्स का, यानी कि स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में मेंटेन बैच वाइज डिटेल यानी कि सेट एक्सपायरी डेट। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब टेली में हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो ये नो रहता है, इन्हें हमें इनेबल करना यानी कि यस करना होगा। हम इसको भी यस करेंगे और सेट एक्सपायरी डेट्स को भी हम यस करेंगे और इसको एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट यानी कि इसको सेव कर देंगे। तो इसके बाद सबसे पहले हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आइटम क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, स्टॉक आइटम और क्रिएट। अब क्रिएट करेंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट आए थे, यानी कि पहला जो प्रोडक्ट था नीम सेट पी टेबलेट का, नीम सेट पी टेबलेट का नाम हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर दी। अब इसका हमें ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। अब ग्रुप का क्रिएट का मतलब यानी कि नीम सेट पी कौन सी कंपनी की यानी कि कौन से फार्मा की ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो हमें पता है जैसे नीम सेट पी ये मेडली फार्मा की है, तो हम यहाँ से LC से शॉर्टकट एक ग्रुप क्रिएट करेंगे इसका। हालांकि वैसे हर प्रोडक्ट पे यानी कि जो मेडिसिन होती है उसका जो स्ट्रिप होता है या उसका जो बॉक्स होता है उस पर मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होता है, आप वहाँ से भी देख सकते हो मेडली फार्मा। और इसके अंडर में हमें एक ग्रुप और क्रिएट करना पड़ेगा मेडिसिन GST 12% का। ये हमने GST 12% का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इस पर GST 12% की GST लगती है, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे पास GST 12% का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, GST 18% का कितना हुआ है, GST 5% का कितना है या टैक्स फ्री का कितना है, तो ताकि हमें स्टॉक की वैल्यूएशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसे हम इंटरप्रेस करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जो रहेगी यूनिट, अब इस यूनिट को हम किस में सेल करते हैं ये हमारे भी बिजनेस पे डिपेंड करता है यानी कि हमारी कंपनी पर।
अब हमें परचेज जो किया है वो स्ट्रिप में भी हो सकता है, वो बॉक्स में भी हो सकता है, लेकिन हम अगर इसको स्ट्रिप में भी सेल करते हैं तो हमें स्ट्रिप बनाएंगे, अगर हम इसको एक एक लूज करके पर टेबलेट के हिसाब से अगर हम सेल करते हैं तो हमें टेबलेट के हिसाब से यूनिट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम एल सी से यहाँ पे स्टॉक इसका यूनिट हम क्रिएट करेंगे और यूनिट हम दे देंगे इसकी टेबलेट पे, और यूकी से इसमें रखेंगे हम पीसीएस और इंटरप्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे। और इसके बाद हम इसके एक अल्टरनेट यूनिट भी हम बनाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रिप में भी सेल हो सकती है और टेबलेट में भी सेल हो सकती है, एक एक लूज टेबलेट भी। तो हम यहाँ से एल्ट सी करके एक स्ट्रिप और ये रहेगी पीसीएस में, और इसका नंबर ऑफ डेसिमल हम देंगे 2 और इंटरप्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ से चीज़ पूछता है एक स्ट्रिप में कितनी टेबलेट होती है, यानी कि एक स्ट्रिप बराबर 10 टेबलेट। ये अलग अलग हो सकती है, एक स्ट्रिप के अंदर 5 टेबलेट भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो इनवॉइस आया है उस इनवॉइस के हिसाब से एक स्ट्रिप के अंदर 10 टेबलेट ही है। और इसमें यहाँ पर अब पूछेगा मेंटेनेंस इन बैच, इस फंक्शन को हमें विशेषकर ध्यान रखना, इस फंक्शन को यस हमें करना पड़ेगा। जैसे हम इसको यस करेंगे तो हमें 2 ऑप्शन और पूछेगा, यानी कि ट्रैक डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, तो वो भी हमें यूज़ करनी है। तो इसे भी हम यस करेंगे और एक्सपायरी डेट को भी हम यस करेंगे, और जीएसटी इस पर है तो अभी इसे एप्लीकेबल करेंगे और डिटेल में इसको यस करेंगे। और यहाँ पर हम दे देंगे मेडिसिन, और यहाँ पर इसका HSN कोड इस प्रोडक्ट का, यानी कि 3004, और इसमें टैक्सेबल रखेंगे और जीएसटी इस पर 12% की है, तो हमें 12% रख के इसको गुड्स करते हुए एक बार एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये एक प्रोडक्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है इसका। तो इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास चेरिकॉफ सोयमल सिरप का, तो ये भी हम क्रिएट करेंगे, चेरिकॉफ सोयमल सिरप। अब ये भी हमारी मेडिसिन 12% की, और यहाँ पर हम जो सबसे पहले जो ग्रुप देंगे वो इस कंपनी का नाम देंगे, यानी कि जो चेरिकॉफ है इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। तो हम यहाँ पर इसका ग्रुप क्रिएट कर देंगे सन फार्मा, और यहाँ पर इसमें देंगे मेडिसिन जीएसटी 12%। और ये यानी कि इस जो चेरिकॉफ सोयमल जो सिरप है इसकी, हम इसे पीसीएस में सेल करते हैं, तो हम यहाँ पर इसकी यूनिट बना देंगे पीसीएस की, और अल्टरनेट इसकी यूनिट कुछ भी नहीं है, तो इसे हम नोटेबल केबल रखेंगे और इसमें मेंटेनेंस बेस डिटेल को भी यस करेंगे, यस रहेगी। यहाँ पर भी हम लिखेंगे मेडिसिन, और इसका जो भी HSN जो कोड रहेगा टैक्सेबल करते हुए इसको जीएसटी 12%, और इसे एक्सेप्ट करते हुए सेव करेंगे। इसी तरीके से जो थर्ड आइटम थी नीम सेड पी 100 ml की, ये सिरप है हमारे पास, तो नीम सेड पी 100 ml सिरप, और ये भी मेडली फार्मा की है ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है इसका, और ये भी हम पीसीएस में सेल करेंगे क्योंकि इसमें कोई अल्टरनेट यूनिट हम यूज़ नहीं करते। और इसे भी हम यस करेंगे, और इसका भी HSN डिस्क्रिप्शन में रखेंगे मेडिसिन, और HSN कोड ही रहेगा, टैक्सेबल रहेगी, और जीएसटी 12%। तो इसी तरीके से जो हमारी लास्ट स्टॉक आइटम है नीम सेड पी टेबलेट, यानी कि ये ऑलरेडी हमने आइटम क्रिएट कर रखी है, तो इसे हमें दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका बेच नंबर अलग है, वो हम परचेज की कॉस्ट में जब इसकी जब परचेज की जब एंट्री करेंगे तब वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाउचर्स की हम एंट्री करेंगे, तो वाउचर की एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे, और सबसे पहले हम जाएंगे परचेज पे, और परचेज के हम शॉर्टकट F9 भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वाउचर्स का नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा इनवॉइस का, और ये इसका वाउचर नंबर रहेगा VTC 264। और यहाँ पे इसकी डेट रहेगी, यानी कि डेट है इसकी 1 अगस्त 2020 की। तो हम F2 से यहाँ पे डेट भी इसकी चेंज करेंगे, और सेम हम इनवॉइस नंबर यहाँ पर भी हम मेंशन करेंगे
और 1 अगस्त रहेगा। और पार्टी नेम में विजय ट्रेडिंग कंपनी जो कि ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर अब इसकी जो फर्स्ट स्टॉक आइटम थी हमारी निम सेट पी टैबलेट। तो जैसे हम टैबलेट पे क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पूछेगा ये एक्टिव बैच, यानी कि आप कौन से बैच नंबर की परचेज कर रहे हो। तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे न्यू नंबर पे तो सर न्यू बैच हमें देना पड़ेगा यहाँ पे बैच नंबर जो इस इनवॉइस में आया हुआ लग के, यानी कि नेम 1 2 3 4 5, तो वही हम यहाँ पर टाइप करेंगे नेम 1 2 3 4 5। और इसके बाद क्वांटिटी, अब क्वांटिटी हमें टैबलेट में लेनी है तो हम यहाँ पे 100 टैबलेट डाल लेंगे, यानी कि 10 स्ट्रिप ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी। तो क्वांटिटी भी हमारे पास 10 स्ट्रिप है और इसके अल्टरनेट यूनिट यानी कि 100 टैबलेट है। तो और इसके जो रेट है वो 4 रुपये और 80 पैसे पर टैबलेट का रेट है। और यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें डालनी पड़ेगी इनवॉइस में से देख के, यानी कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 25/6/2020 की। तो 25 जून 2020 और इसका एक्सपायरी डेट है वो है 28/8/2020। तो इस तरीके से एक स्टॉक आइटम हमारी पूरी हो चुकी है। अब इसी तरीके से अब ये जो हमारी मेडिसिन बार GST 12% के परचेज है, तो हमने मेडिसिन GST 12% के नाम से एक लेजर है जो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है अंडर परचेज काउंट के। तो इसी तरीके से जो सेकंड आइटम है हमारी चेरी कॉप सोमल, इसका भी हमें बेस नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा और इसका है चेरी 1 2 3 4, ये कुछ भी हो सकता है, ये मैंने 4 एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बना के रखा हुआ है। और इसकी क्वांटिटी है 5 और इसका रेट है 70 रुपये और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 12 मई 2020 की है और इसकी एक्सपायरी डेट है वो 15/8/2020 की है। इसी तरीके से निम सेट पी सोमल सिरप है, इसका भी हमें बैच नंबर देना पड़ेगा निम 0012 और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 10 पीसेस और एक का जो रेट है वो 40 रुपये है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 15 जुलाई 2020 की है और एक्सपायर इसका 23/9/2020 का है। और फोर्थ आइटम थी निम सेट पी टैबलेट, अब इसका हमें न्यू नंबर देना पड़ेगा, हालांकि आइटम सेम ही है लेकिन बैच नंबर इसका डिफरेंट है निम 4578 और इस क्वांटिटी है 50 टैबलेट और एक टैबलेट का जो रेट है वो 4 रुपये 80 पैसे ही है। इस तरीके इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट वो 25 जुलाई 2020 की है और एक्सपायरी डेट 26/8/2020 की है। तो इस तरीके से ये स्टॉक आइटम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें इनपुट CGST और इनपुट SGST, तो अब 40 पैसे हम करेंगे राउंड ऑफ। तो इस तरीके से हमारा ये 1646 रुपये इनवॉइस की वैल्यू बन चुकी है जो हमारा परचेज इनवॉइस था। तो हम इसे इंटर करते हुए से हम एक्सेप्ट करेंगे और इसे सेव करेंगे। तो इस तरीके से ये परचेज की एंट्री होगी। अब इन्हीं प्रोडक्ट को हम हमारे कस्टमर्स को सेल्स करेंगे। तो सेल्स के लिए मैं शॉर्टकट F8 और वाउचर नंबर हमारा 1 रहने वाला है और इसकी जो डेट हम 2 अगस्त रहेंगे और कस्टमर का हम नाम यहाँ पे बना देंगे LC से मुकेश कुमार, ये हमारा कस्टमर है तो इसे हम सैंडी डेप्टस में रखेंगे। और इस तरीके से ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो यहाँ पर इसका अगर वो मेडिकल एजेंसी से अगर किसी फार्मा को अगर हम सेल्स कर रहे हैं ये प्रोडक्ट तो उसका हम ड्रग लाइसेंस नंबर यहाँ पर फीडिंग कर सकते हैं। अब ये हमारा एक कंज्यूमर है यानी कि हमारा एक कस्टमर है तो हम इसको DL को एम्प्टी करेंगे और जो हमारा निम सेट पी हम टेबलेट इसको सेल आउट कर रहे हैं। तो जैसे हम सेल आउट करेंगे तो हमसे ये पूछेगा भी आप जो सेल आउट कर रहे हो
कौन से बैच नंबर वाली ये निमसेट पी टेबलेट है जो सेल कर रहे हो, क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो एक ही था निमसेट पी का, लेकिन उसके बैच नंबर तो अलग अलग थे, और इसमें एक की एक्सपायरी डेट है वो 26 अगस्त थी और एक की है वो 28 अगस्त है। तो इस तरीके से हमने निमसेट पी को ये सेल करेंगे हम 2, और यहाँ पे एक 2 टेबलेट का रेट हम 8 रुपये हम एक बार इसका लगा देंगे, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पर एक लेज़र हमारा बनेगा मेडिसिन सेल्स का, सेल्स GST 12% अंडर में रहेगा सेल्स काउंट के, GST एप्लीकेबल रहेगी, और टाइप ऑफ सप्लाई में से गुड्स रखेंगे, और उसके बाद जो प्रोडक्ट था नेक्स्ट चेरीकॉप। अब जैसे चेरीकॉप पे इंटरप्रेस करेंगे तो हमें एक्टिव बैच की डिटेल यहाँ से पूछेगा, कौन से बैच वाली आप इसे सेल कर रहे हो, हालांकि अभी हमने एक ही बैच की गुड्स परचेज किया हुआ चेरीकॉप को, तो इसलिए एक ही बैच नंबर वाला यहाँ पर शो कर रहा है। अगर अलग अलग टाइप्स की अगर परचेज होती, डिफरेंस टाइप की यानी कि बेस वाइज हमने परचेज करी होती, तो सभी की लिस्ट यहाँ पर ये शो कर देगा। हमने इसको 2 क्वांटिटी रेट एक बार इसका 90 रुपीज़ यहाँ पर, और इसे एंटर प्रेस करते हम इसे सेव करेंगे, मेडिसिन सेल्स हमारी, और यहाँ पर अब हमें आउटपुट CGST का हम लेज़र क्रिएट करेंगे, अंडर में रहेगा ये ड्यूटी टैक्सेस, GST रहेगा और सेंटर टैक्स, और इसी तरीके से आउटपुट SGST टैक्स, GST, और यहाँ पर अब हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट टैक्स को, और इंटर प्रेस करते हुए सेव करेंगे, और ये हमारा सेव हो गया। अब कुछ एक जो प्रोडक्ट थे जो हमारे अगस्त मंथ में एक्सपायर होने वाले थे, यानी कि कुछ यहाँ पे 28/8 का है, ये 15/8 का है, और ये 26/8 का है। अब हमें इसकी 30 अगस्त को एक सेल्स एंट्री बना के देखते हैं, तो उसमें हमारे जो एक्सपायर जो प्रोडक्ट है उसकी लिस्ट यहाँ से हटा देगा। तो हम यहाँ पे डेट लेंगे 30 अगस्त, और इनवॉइस नंबर हमारा 2 रहेगा, ये हम केस में सेल करेंगे। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारे पास है निमसेट पी, तो इसके अंदर यहाँ पे देखो इस प्रोडक्ट का कोई भी बेस अब यहाँ पर शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो प्रोडक्ट है जो एक्सपायर हो चुके हैं, यहाँ पे अब किसी भी टाइप का बेच नंबर यहाँ पे शो नहीं करेगा। हालांकि स्टॉक आइटम तो जरूर शो करेगा, लेकिन बेच नंबर नहीं शो करेगा जो जो प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले हैं। अब इस प्रोडक्ट की यहाँ पे एक्टिव बेच में ये बेच नंबर शो कर रहा है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट 23 सितंबर है, तो इसीलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। अगर इस प्रोडक्ट को देखें तो इसका भी एक्टिव बेच यहाँ पे नोट एप्लीकेबल आ रहा है, यानी कि हमें कोई शो नहीं हो रहा। अगर हम ये चीज़ चाहें भी हम एक्सपायरी प्रोडक्ट को भी हम सेल कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें F12 से इस फंक्शन को चालू करना पड़ेगा, ताकि वो एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट भी हमें यहाँ पर शो हो जाए बैच वाइज। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से यहाँ पे प्रेस करेंगे F12, और F12 प्रेस करने के बाद हम एक बार और हमें प्रेस करना पड़ेगा F12। तो जैसे हम F12 प्रेस करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा Allow use expired batch for all stock item। तो ये जो फंक्शन नो आ रहा है इसे हम यस करेंगे। अब जैसे हम यस करके इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो अब हम जो भी प्रोडक्ट सेल हम करना चाहें तो उसकी लिस्ट है जो सारी हमारे सामने यहाँ पे शो करेगा निमसेट पी की भी। तो अब यहाँ पर हालांकि जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो 1 की 26 अगस्त है और 1 की 28 अगस्त है, और हम जो इनवॉइस के जो सेल आउट कर रहे हैं वो जो उसकी डेट है वो है 30 अगस्त। यानी कि इस फंक्शन से हमें जो हमारे प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके हैं उसकी भी लिस्ट यहाँ पर शो करेगा बैच वाइज डिटेल्स के साथ। तो हम उसका भी इनवॉइस अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें।